जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, वेलकम टू राधा कृष्ण किचन। मैं हूँ जयश्री पवार और आज हम बनाएंगे तुरई की सब्जी और वो भी चूल्हे पर बनाएंगे देसी स्टाइल में। तो चलो हमारे विलेज में कैसे बनाते हैं दिखाते हैं आपको। तो सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले लिया हमने तुरई और वो भी हमने अच्छे से धो लिए और फिर उसे बारीक बारीक कट कर रही हूँ मैं। और ये देखो उसकी स्किन बिल्कुल भी सॉफ्ट है। ये तुरई वो वाली है जो जिसपे ऊपर वो नहीं है। और उसके लिए मैंने आधी कटोरी मूंग दाल भी भिगो दी है और बारीक प्याज भी कट कर लिया। और अभी आधी कटोरी मूंगफली भी अच्छे से भून लूँगी। और अब ये अच्छे से भून चुके हैं, अब इसे हम कटोरी में निकाल लेंगे और फिर कढ़ाई में तेल डालकर इसे तड़का लगाएंगे। ये बहुत झटपट बन जाती है और बहुत टेस्टी भी लगती है, लेकिन इसे थोड़ा सा स्पाइसी बनाना। आधा चम्मच जीरा डाल दिया मैंने तेल में और फिर इसमें 7-8 लहसुन की कलियाँ जो बारीक कट कर लिए है अच्छे से भुनेंगे इसको, क्योंकि लहसुन और जीरा अच्छे से भुना तो बहुत अच्छे टेस्ट आता है सब्जी में, इसीलिए हम इसे अच्छे से फ्राई होने देंगे। और जब ये फ्राई हो जाएगा तभी हम डालेंगे उसमें फ्रेश वाले करी पत्ते। करी पत्ते के साथ आप इसमें धनिया भी डाल सकते हैं। और देखो हमारा तड़का इतना अच्छा बना कि वो ऐसे फायर होने लगी। जब हम ये चूल्हे पे करते हैं तो हमेशा ऐसा होता है, इसलिए बहुत सावधानी से करते हैं। और अभी इसी में हम बारीक कटे हुए 2 प्याज डाल देंगे ताकि इसे भी हम ट्रांसफ़र होने तक अच्छे से फ्राई कर सके उसमें। और ये मूँगफली जो बुनी हुई मूँगफली को हम दरदरा पीसेंगे इसमें। हमें इसे ज़्यादा बारीक नहीं कूटना है, बस उसे तोड़ना है हल्का हल्का ताकि वो जब हम सब्जी खाएं तो उसमें दांतों के नीचे आ जाते हैं तो बहुत टेस्ट आता है इसका, इसीलिए हम इसे दरदरा ही पीसेंगे। और देखो अभी पीसना हो गया और फिर हम इसे थोड़ा सा इसके ऊपर छिलके है उसे हटा देंगे फूंक मार कर। और फिर हमारे सब्जी प्याज भी उधर से फ्राई होने तक आया है। और ये सारी चीज़ें हम एक साथ ही करेंगे ताकि हमारा टाइम भी बच जाए और हमारी झटपट सब्जी बन जाए। और इसे भी थोड़ा सा इसी तेल में फ्राई करेंगे हम इसके साथ, फिर इसका फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है सब्जी में। और फिर हल्दी पाउडर और गरम मसाला डालेंगे इसमें और फिर अच्छे से मिला लेंगे इसको ताकि मसाले का और भी अच्छे से आए। और आप इसमें तीखा आपके पसंद अनुसार, मैंने यहाँ चिली फ्लेक्स डाला है, आप हरी मिर्च या रेड चिली पाउडर भी डाल सकते हो। और जो हमने भिगो के रखी थी मूंग दाल, मैंने आधी कटोरी डाली थी भीगने के लिए, ये पूरी कटोरी हो गई, फूल गई अच्छे से। अभी इसको भी हम इसी में मिलाएंगे और अच्छे से फ्राई करेंगे। और जब तक ये सब चीज़ें मिला रहे हैं और सब अच्छे से हो रहा है तब भी हम इसी में मिलाएंगे वो हमने तुरई को कट कर लिया था वो मिला देंगे। और ये चूल्हे पर बना रही हूँ मैं इसमें, और ये चूल्हे का आग बहुत ज़्यादा होता है इसीलिए जो सब्जी का पानी होता है वो भी सूख जाता है, इसीलिए हम थोड़ा सा पानी भी मिला देंगे इसमें ताकि हमारे मसाले और ये हमारी सब्जी जले नहीं। हम ये गैस पर कम आँच पर ढककर बनाएंगे तो ज़्यादा उसी में हो जाता है। और स्वाद अनुसार नमक लाकर हम इसमें थोड़ा सा पानी मिलाएंगे और इसे थोड़ी देर के लिए ढककर पकाएंगे। आप चाहे तो इसे पतला भी बना सकते हो, फिर वो मूंगफली को बारीक पीस लेना और फिर थोड़ा सा पानी ऐड कर देना, आपकी पतली वाली सब्जी भी बन जाएगी। लेकिन हम लोगों को ऐसी ज़्यादा पसंद है इसीलिए मैं इसी तरह से बना रही हूँ। और अभी इसे ढककर थोड़ी देर के लिए पकाएंगे और फिर ये पक जाएगी। अभी ये परोसने के लिए बिल्कुल रेडी है। यदि आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए नए नए लेकर आएंगे। कमेंट बॉक्स में लिखना कि आपको मेरे विलेज वीडियो कैसे लग रहे। और बातों बातों में झट से हमारी सब्जी भी बिल्कुल रेडी हो गई परोसने के लिए। आप इसे रोटी या बाजरे की रोटी के साथ बहुत मज़े से खा सकते। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।